हाँ तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। और मैं आपको मोस्टली इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो भी हमारे कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं और जो भी 9th से लेकर 12th तक जो बच्चे यूपी बोर्ड के हों चाहे CBSE बोर्ड के हों, जो भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स होते हैं मोस्टली वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो इंडिफिनिट होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। एंड सेकंड जो हमारा होता है, डिफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो इंडिफिनिट और डिफिनिट का मीन्स क्या होता है। इंडिफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं। कैसी हैं? जो चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, अनफिक्स होती हैं। डिफिनिट का मतलब होता है कि जो चीज़ें मतलब कि निश्चित होती हैं एक तरीके से। इंडिफिनिट में कौन कौन सा आता है बच्चों, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिफिनिट में आता है हमारा ए और एन, ठीक है। और जो हमारा डिफिनिट होता है, डिफिनिट में हमारा आता है द। क्या आता है बच्चों? द। तो इंडिफिनिट में हमारा आता है ए और एन, और डिफिनिट में हमारा आता है द। अब इंडिफिनिट का जो डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है, ठीक है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और इंडिफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिफिनिट वाला। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं और साथ ही साथ आप इसका एक बेहतरीन सा नोट्स भी बनाते चलना, तो ठीक है बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ इंडिफिनिट क्या है बच्चों? डेफिनेशन ऑफ इंडिफिनिट क्या होती है बच्चों? इसकी डेफिनेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा अपना कलर चेंज कर लेते हैं, बस उसके बाद करते हैं। तो ए और एन का प्रयोग, किसी नाउन के पोजीशन, किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट और अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। इंडिफिनिट ऑफ अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है बच्चों? अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है वो हम बताएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ही सॉ एन ओल्ड मैन। तो यहाँ हमने किसका यूज किया? एन का। अब एन का क्यों किया? क्योंकि देखो इसका एक और प्रकार होता है जो ए एन और दा का यूज होता है कि जितने भी क्या होते हैं वॉवल्स होते हैं बच्चों, जितने भी वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, कि जितने भी वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम एन का यूज करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? एन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एप्पल
एप्पल, तो एप्पल में क्या है, ए वॉवल से इसके आगे हम एन का यूज करेंगे, तो क्या होता है एन एप्पल होता है, क्या होता है एन एप्पल। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे ये ओ क्या था, वॉवल्स था, ओल्ड में जो ओ था बच्चों वो क्या था, वॉवल्स था, और वॉवल्स के पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एन का यूज। तो आइए हम अपना दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार समझते हैं। और साउंड के अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं, वॉवल्स को कभी कभी हम साउंड के अकॉर्डिंग भी पहचानते हैं, तो अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपको बताते चलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम, जैसे कि अब हम देखते हैं यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, उसके साथ जैसे हमने यहाँ पे लिया कि जितने भी कंसोनेंट होते हैं, जितने भी कंसोनेंट होते हैं उनके आगे ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों हमारे क्या है, नोट्स हैं, आप इसको लिख लेना, ठीक है, ये हमारे क्या है, नोट्स हैं एक तरीके से नोट की हुई बात है कि जितने भी कंसोनेंट होते हैं उनके आगे हम किसका यूज करते हैं, जितने भी हमारे कंसोनेंट होते हैं उनके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हमने लिया एक सेंटेंस कि देयर वॉच ए किंग। तो एक बात बताओ बच्चों यहाँ पे कि ए जो यहाँ पे जो के है, के क्या है, कंसोनेंट है, तो के जब कंसोनेंट है तो के के आगे किसका यूज किया गया, ए का। तो कहने का मतलब है कि जितने भी कंसोनेंट होते हैं उनके पहले हम ए का यूज करते हैं, और जितने भी वॉवल्स होते हैं उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे कि हमने लिया ए डॉग वॉच बार्किंग एट नाइट। यानी कि डॉग में जो डी है वो क्या है बच्चों, डॉग में जो डी है वो क्या है, कंसोनेंट है, डी क्या है, कंसोनेंट है। तो जब कंसोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। तो आई थिंक बच्चों आपको ये ए और एन का जो कंफ्यूजन रहता है वो कंप्लीट हो गया होगा, और ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं तो ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके आगे डिफिनिट आर्टिकल्स किस प्रकार से होते हैं। इंडिफिनिट वाला तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम देखते हैं इंडिफिनिट वाला, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, बाकी हम अपना आगे का देखते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, तो डिफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें चीज़ें कैसी होती हैं, निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिफिनिट, सेकेंड हमारा है बच्चों इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स अब देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे कि दा का प्रयोग, क्या है बच्चों, दा का प्रयोग या दा का यूज किसी नाउन के पोजीशन, किसी नाउन के पोजीशन को डिफाइन और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है, किया जाता है
किया जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा, पहले इसको हम समझ भी लेते हैं कि दा का यूज किसी नाउन की पोजीशन, पोजीशन मतलब जो अवस्था होती है, क्या होती है, अवस्था। तो अवस्था को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा कि द हाउस इन विच आई लाइव इज नाउ, ठीक है। या फिर थोड़ा सा सिंपल सा लेते हैं, अभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। तो जो नेपाल में जो गोल्ड होता है उसका क्या किया जाता है, चीप्स होता है, क्या होता है, चीप होता है। तो गोल्ड के आगे किसका हमने यूज किया, दा का, किसका यूज किया हमने, दा का। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं, द गंगा, द गंगा इज द इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया, होली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, गंगा क्या है, हमारी भारत की कैसी है, पवित्र नदी है, नेशनल रिवर भी है। तो होली रिवर्स भी हम कर सकते हैं और नेशनल रिवर भी। तो उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, दा का। जैसे कि सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिया, और एग्जाम्पल लेते हैं अभी, यहाँ पे जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जो चीज़ें अपने आप में ग्रेट होती हैं, कैसी होती हैं, ग्रेट होती हैं, महान होती हैं। तो जो चीज़ें अपने आप में ग्रेट और महान होती हैं, तो जो चीज़ें अपने आप में महान या ग्रेट होती हैं, ग्रेट होती हैं, उनके आगे दा का प्रयोग, दा का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, कि अभी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक। तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं वो क्या है, भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे कि और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और हम एग्जांपल इसमें लेते हैं बच्चों दा के लिए, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं बच्चों, जितने भी, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि दा का यूज किस किस जगह होता है और ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे,
कि जो दा का यूज होता है तो, लेकिन नाउंस पर जोर डालने के लिए दा को दी पढ़ा जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दा को दी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, दा ही होता है। जैसे कि हम द इंडिया ठीक है, और द गंगा ठीक है, और जैसे कि हम द हिमालय तो क्या कर सके, द हिमालय। तो इतने में बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें अपने आप में कैसी होती है, ग्रेट होती हैं। तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या बच्चों, आर्टिकल्स एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल्स का क्या क्या यूज होता है। तो आर्टिकल्स तीन टाइप के होते हैं बच्चों, ए एन और द। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ए एन और द। ए का यूज क्या होता है, जितने भी ऑल कंसोनेंट विद यूज ऑफ ए। तो जितने भी हमारे कंसोनेंट होते हैं उनके आगे किसका यूज किया जाता है, ए का। और इसका क्या होता है, एन का प्रयोग क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। ऑल वॉवल्स यूज ऑफ ए एन ठीक है। तो जितने भी वॉवल्स होते हैं उनके आगे किसका प्रयोग होता है, एन का। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे दा का यूज क्या होता है भाई, और किस प्रकार से होता है। तो दा का क्या, जो भी चीज़ें ग्रेट होती हैं, जो भी वस्तु प्राणी व स्थान महान होते हैं उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं ठीक है। जैसे मैंने समझाया द हिमालय द गंगा द इंडिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, द बॉयस, जो भी चीज़ें होती हैं उनके आगे हम कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पढ़ तो हमने भी आया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का यूज क्या होता है भाई, किस तरीके से हमें इनको पहचानना चाहिए है, फिर ए एन का यूज क्या होता है और इसको किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे वर्क करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो यूज ऑफ डिफाइन आर्टिकल्स द, तो जितने भी माउंट एवरेस्ट होते हैं क्या बच्चों, द माउंट एवरेस्ट क्या कर सकते हैं, द माउंट एवरेस्ट एंड द माउंट आबू। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जितने भी माउंटेन्स हैं इंडिया में, जितने भी माउंटेन्स हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर माउंटेन्स हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर, उन सभी के आगे दा का यूज होता है, दा का यूज होता है ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि दा क्या होता है, दा का यूज किस तरीके से होता है, और ये किस तरीके से इसको हम पहचानते हैं, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इससे थोड़े बहुत हम आपको बाई क्वेश्चन करवा देते हैं इसके एग्जाम्पल्स किस तरीके से होते हैं। तो जितने भी माउंटेन्स होते हैं उनके आगे भी होता है, जितने भी रिवर्स के नेम होते हैं, ऑल रिवर्स नेम ठीक है,
ऑल रिवर्स नेम जो होते हैं उनके आगे भी, उनके आगे भी दा का यूज होता है, दा का यूज होता। तो जितने भी ऑल रिवर्स होते हैं उनके आगे दा का यूज होता है, और किसके आगे होता है, तो जितने भी सी होते हैं, सी होते हैं, ऑल सी, ऑल ओशियंस, ऑल सी, ऑल ओशियन, हाँ, वे और गल्फ, वे एंड गल्फ, और वे एंड गल्फ का भी होता है, वे एंड गल्फ, और बच्चों ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड किसके आगे बच्चों, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड के आगे भी, के आगे भी दा का यूज होता है, ये भी दा का यूज होता है, होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही ख़त्म होता है कि हमारे आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और दा। तो ए का यूज हमारा कहाँ होता है, तो जितने भी कंसोनेंट्स होते हैं बाय साउंड अकॉर्डिंग, तो वहाँ ए का यूज होता है, और जितने भी कंसोनेंट होते हैं उनके आगे ए का यूज होता है, और जितने भी वॉवल्स होते हैं वहाँ एन का यूज होता है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक, और दा का मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज़ें ग्रेट होती हैं, जैसे कि जितने भी माउंटेंस होते हैं, जितने भी वे ऑफ बंगाल जो होता है, जैसे खाड़ी वगैरह, गल्फ का नाम होता है, रिवर्स का नाम होता है, तो इन सब के आगे हम दा का यूज करते हैं। तो बच्चों यही हम ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक, कल के लिए हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे।